एक बार फिर आपके बचपन और आपके गांव से जुड़े किस्से और कहानियों को नए अंदाज में लेकर आ गया है पंचायत का सीजन 2। अच्छी बात यह है कि जिस पानी की टंकी पर पंचायत सचिव अभिषेक त्रिपाठी पहुंचते हैं और प्रधान की बेटी रिंकी से मिलते हैं और वहीं पर सीजन 1 खत्म होता है, उसी पानी की टंकी के साथ सीजन 2 की शुरुआत होती है। सीजन 1 में जो सचिव बात बात पर भन्ना जाते थे, या यूं कह लें कि भड़क जाते थे, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे, वो सचिव सीजन 2 में सीढ़ी से उतरते वक्त काफ़ी खुश नजर आते हैं। अब जाहिर है उनकी खुशी और उनके बदले अंदाज को देखकर डिप्टी प्रधान प्रहलाद और पंचायत सहायक विकास यानी चंदन राय हैरान और परेशान नजर आते हैं। उनको लगता है कि सचिव जी की खुशी का कारण शायद प्रधान जी की बेटी रिंकी है, पर असली वजह क्या है वो देखने के लिए तो आपको वेब सीरीज ही देखनी पड़ेगी। पंचायत सीजन 2 की रिलीज से पहले खबरें थीं कि पंचायत सचिव और प्रधान की बेटी रिंकी के अफेयर पर फोकस किया जाएगा, पर सीजन 2 पूरी तरह से फुलेरा गांव और गांव वासियों की समस्याओं के आसपास घूमती नजर आ रही है। इस 8 एपिसोड की सीरीज में ग्राम पंचायत सचिव जितेंद्र, प्रधान का किरदार निभा रही हैं नीना गुप्ता, प्रधान पति का किरदार निभा रहे हैं रघुवीर यादव, डिप्टी प्रधान फैसल मलिक और पंचायत सहायक चंदन राय हर एक एपिसोड में गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाते नजर आ रहे हैं। जैसे गांव में CCTV लगना हो या फिर खुले में शौच मुक्त गांव बनाने की जद्दोजहद हो, रिंकी के शादी के रिश्ते की बात हो, या फिर गांव में सड़क बनाने के लिए फंड की व्यवस्था करना हो, या फिर बात दोस्ती और विश्वास की हो, या फिर कहानी राजनीति की हो, उसको बड़े ही खूबसूरती अंदाज के साथ दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अगर बात कहानी की करें तो कहानी पहले सीजन के मुकाबले लेखक चंदन कुमार ने स्क्रिप्ट पर काफ़ी मेहनत की है। कई सीन ऐसे आएंगे जब आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, जैसे जब गांव में CCTV कैमरा लग रहा होता है तो गांव वालों की क्यूरोसिटी को जिस तरीके और जिस अंदाज के साथ दिखाया गया है वो वाकई आपको हंसाने पर मजबूर कर देगी। वहीं बकरी चोरी होने से लेकर चप्पल चोरी होने तक पर जिस तरीके से CCTV का इस्तेमाल गांव वालों ने किया है वो भी अपने आप में आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफ़ी है। रोड बनवाने वाली बात पर जिस अंदाज में प्रधानपति ये कहते हैं कि हम प्रधान हैं प्रधानमंत्री नहीं है, वो सीन भी अपने आप में गजब है। वहीं नशा मुक्त अभियान में नशे में डूबे ड्राइवर का वो डायलॉग कि दो तरीके के पीने वाले होते हैं, एक वो जो काम कम करते हैं पैसा ज़्यादा पाते हैं, और दूसरे वो जो काम ज़्यादा करते हैं लेकिन पैसे कम पाते हैं। ना जाने ऐसे ही और कितने डायलॉग्स हैं जिन्हें आप अपने आप से जोड़ पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं, पर इतना ज़रूर कह सकता हूं कि ये सीरीज आपके मनोरंजन का पूरा ख्याल रखती है। वहीं कुछ सीन ऐसे भी हैं जो आपकी आंखों में आंसू ला देंगे, चाहे वो प्रधान डिप्टी प्रधान सचिव और सहायक की बॉन्डिंग हो, या फिर गांव वाले जब अपनी समस्याओं का जिक्र करते हैं, या गांव वालों के बताने का जो अंदाज है। मुझे लगता है कि कहानी कहीं कहीं पर थोड़ी सी लंबी खींची गई है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस कारण से सीरीज थोड़ी सी लाइन लेंथ से भटक सकती थी, पर फिर से स्टार कास्ट की कमाल की एक्टिंग ने सब कुछ संभाल लिया। किरदार की अगर बात करें तो हर किरदार अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होता दिखाई दिया है। जिस तरीके से गांव वालों से जितेंद्र मिलते हैं, बाकायदा नाम से गांव वालों को जानते हैं, या फिर गांव की टेढ़ी मेढ़ी गलियों को पहचानने लग जाते हैं, वो काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये सीरीज उनके बिना अधूरी है। रघुवीर यादव और नीना गुप्ता का होना ही ये काफ़ी है बताने के लिए कि सीरीज में कितना कॉन्टेंट होगा। इन दोनों के बीच के जो डायलॉग्स हैं वो कहीं कहीं आपको हंसने पर मजबूर करेगा, तो कहीं कहीं पर आपको सोचने पर भी मजबूर करेगा। वहीं अगर इस सीरीज में किसी के काम की अगर सच में तारीफ की जाए तो वो हैं डिप्टी प्रधान प्रहलाद यानी फैसल मलिक और विकास यानी चंदन राय की। सच कहें तो फैसल मलिक ने इस किरदार को जिया है। इनकी एक्टिंग और इनके डायलॉग्स डिलीवरी ना सिर्फ हंसाएगी बल्कि रुलाएगी भी। जिस अंदाज में ये प्रधान और सचिव के साथ बॉन्डिंग निभाते नजर आ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। बात जब प्रधान और प्रधान पति के बीच टकराव की हो, या फिर रिंकी और सचिव के अफेयर की खबर निकालने की हो, हर काम को बड़ी दिलचस्पी के साथ करते नजर आए हैं फैसल मलिक। चंदन जितनी देर नजर आए अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाते नजर आए। सचिव के लिए जिस तरीके से वो लॉबी लगाते हैं या फिर उनके साथ खड़े रहते हैं वो अंदाज दिल जीत लेने वाला है। चंदन के किरदार में वो जो देसीपना है वही उनके किरदार को अलग बनाता है।
वहीं सीरीज में रिंकी की एंट्री होती है, सुनीता राजभर की होती है और सतीश रे जैसे कलाकार की भी होती है जिनका अपना अहम अहम किरदार है। जितनी देर भी ये स्क्रीन पर नज़र आते हैं उतनी देर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब हो पाते हैं। जैसे शहर से गांव पहुंचे सतीश का खेत घूमने वाला सीन हो या फिर भैंस देखकर सेल्फी लेने वाला सीन हो, इन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वैसे सीरीज को कामयाब बनाने में अहम किरदार निभाया है सेट और कास्टिंग टीम ने। गांव का जो ओरिजिनल फील दिया गया है ना, टूटी सड़कें, तंग गलियां, रात में कटती लाइटें और दोपहर में पसरा सन्नाटा, मंदिर पर लगा लाउड स्पीकर तो गांव की दुकान पर मिलने वाला इकलौता केक, बाल्टी में ठंडी बियर पीने का बंदोबस्त करना हो या फिर घरों पर चूल्हे पर बनते खाने, इन छोटी छोटी चीज़ों का निर्देशक ने बहुत ही ध्यान रखकर शूट किया है जिससे इस सीरीज में नेचुरल फील आ पा रहा है। खैर, सीरीज ये मैसेज देने में क्लियर हो पाती है कि कैसे आपके हर सुख दुख में गांव वाले आपके साथ खड़े रहते हैं। घर से दूर गाँव में भी आपको अच्छे दोस्त और अच्छी बॉन्डिंग मिल सकती है। कुल मिलाकर ये कहना अच्छा होगा कि निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा और लेखक चंदन कुमार ने 8 एपिसोड पर अच्छे से काम किया है और टीवीएफ के अनुराव कुमार और उनकी पूरी टीम दर्शकों के उम्मीदों पर खरी उतरती नजर आएगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले सीजन 3 में क्या होगा और कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी।